ज़िंदगी के सफ़र में लोग रोज़ गिरते हैं, रोज़ संभलते हैं। कुछ गिर के मिट जाते हैं, कुछ संभल लेते हैं, लेकिन सब फिर भी एक अनजानी मंजिल की ओर चलते रहते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये जो गहरे अंधेरे सन्नाटे हैं, ये तो वक्त ने सबको ही बांटे हैं। तो फिर आज अभी यहाँ ये पल क्यों नहीं पूरी तरह से जी लेते हो? कल की परवाह में क्यों आज को खो देते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? इतनी बार गिर के फिर खुद को संभाल के थक सा गया हूँ। हर पल ये ख्याल आता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं थम सा तो नहीं गया हूँ। फिर एक आवाज़ आती है दिल के किसी कोने से कि अगर थमना ही था तो चले ही क्यों। फिर वो हौसला याद आता है जो करीबी लोग दिया करते थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों करते थे? आज भी जब दो कदम चल के मैं रुकता हूँ और अपने आसपास मुड़ के देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता। बस एक गहरा अंधेरा सन्नाटा है, घूर के है डीपता। हाँ, पर उम्मीदें और दुआएं साथ चलती हैं जिससे हम डर को समझा पाते हैं। हम ऐसा कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? मंजिलें बदलती रहती है, रास्तों की मुश्किलें नहीं। शिद्दत से चाहो तो कुछ मंजिलें मिल भी जाती हैं, पर ज़्यादातर तो हाथ नाकामी ही आती है। दिल और आँखें तो रोज़ रोती है, कभी अकेले में, कभी हंसते हुए। हंसी के मुखौटों से हम दुनिया को बेवकूफ़ तो बना पाते हैं, हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? अब तय कर लिया, दिल से नहीं दिमाग से चलेंगे। वो करेंगे जैसे सब करते हैं, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि अगर यही राह पे चलना था तो पहले ही चल लेते, अब क्यों? ये सोच के खुद को बदलने से हम रोक पाते हैं और दिल की राह पे फिर चले जाते हैं। यादों को समेट के, ज़िंदगी को संभाल के, दिल को समझा के अब से हम चलेंगे। जी हाँ, अब से ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, अब से ऐसा ही करेंगे। तय कर लिया, अब से ऐसा ही।